हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप लेके आया हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है। देखिए, तंबाकू के पौधे का परिवार कौन सा है बताइए। तंबाकू का पौधा किस परिवार के परिवार से है बताइए। तो सोलेनेसी का है, सोलेनेसी परिवार से है। ठीक, कौन से परिवार? सोलेनेसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू का अधिकतम तापमान कितना होता है बताइए। तंबाकू का अधिकतम तापमान होता है 20 से 32 डिग्री सेल्सियस, 20 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है तंबाकू का अधिकतम तापमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू के पौधे की पत्ती का रंग कौन सा होता है? तंबाकू के पौधे के पत्ती का रंग कैसा होता है? नीला, गुलाबी, सफ़ेद या पीला? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी रंग का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू में निकोटीन अनुपस्थित होती है बताइए क्यों? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीज में अनुपस्थित होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक, ये क्वेश्चन पढ़ लेना इंग्लिश मीडियम वाले जो कुछ हैं। ठीक, किस तंबाकू में शामिल है, किस क्या तंबाकू में शामिल है इनमें से, ऑप्शन में से? चीनी कम, फ्लू तंबाकू, या फिर सूर्य ठीक तंबाकू, वायु उपचारित तंबाकू? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य तंबाकू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉपिंग किससे संबंधित है हॉपिंग? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉपिंग पत्तियों को हटाना कहते हैं हॉपिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक रोग कौन सा है? कुछ लोग कहते हैं कमेंट करके कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, आंसर ठीक से नहीं पढ़ाते, पूरी डिटेल में पढ़ाइए। डिटेल में पढ़ाने के लिए अभी टाइम नहीं बचा है, आपकी परीक्षा की डेट चाहिए, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की सकता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट टिक लगा देता हूँ तुरंत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में पढ़ाऊँगा तो मतलब कि ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसे ज़्यादा कवर कर लेंगे। तो कौन सा में से बताइए, डिटेल आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया लीप स्पॉट, अल्टरनेरिया लीप स्पॉट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू की उत्पत्ति कहाँ हुई? इंडिया या फिर अमेरिका, दक्षिण फिलीपींस या नॉर्वे में? तो तंबाकू की उत्पत्ति कहाँ हुई बताइए, तंबाकू की उत्पत्ति कहाँ हुई? तंबाकू की उत्पत्ति हुई दक्षिण अमेरिका में, तंबाकू की उत्पत्ति हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भाग तंबाकू का पौधा कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण पौधा बताइए, तंबाकू का पौधा में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा बताइए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण पौधा पत्तियाँ हैं, पत्तियों से ही आपका तंबाकू बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू में उपचार किया जाता है इनमें से क्या? वायु, अग्नि, वायु, कोक, लकड़ी या कोयला, पानी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू में वायु, अग्नि, वायु सब उपचारित किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू का कुल क्या कौन सा है? तंबाकू का कुल इंडिया में कितना उत्पादन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू में कुल उत्पादन 750 किलो पत्ते का, 750 के उत्पादन इसका है। ठीक, एम किलो पत्ते। जई के लिए तापमान आवश्यक है कितना? जई के लिए तापमान कितना होता है? जई के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है जई के लिए। MOP उर्वरक की मात्रा कितनी होती है? MOP उर्वरक की मात्रा कितनी होती है इसमें? ना इसमें कोई मात्रा, इसमें ये इसका आप लोगों का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नहीं अगर दे पाओगे तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? जई का वैज्ञानिक नाम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जई का वैज्ञानिक नाम बताइए, जई का बोटेनिकल नेम बताइए, जई का बोटेनिकल नेम बताइए। तो इसमें जई का
जय का बोटेनिकल नेम आपका हो क्या हो जाएगा बताइए, जय का बोटेनिकल नेम बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका होमवर्क में है देख, ये बल्कि इसमें आपका ऑप्शन में ही आंसर है, इसमें आइएगा कमेंट करके क्या बोटेनिकल नेम है, मैंने थोड़ा ऑप्शन घुमा दिया है इसमें ठीक, तो आप लोग बताइए इसमें क्या है ठीक, ये ऑप्शन तो इसमें आपका ऑप्शन में ही है आंसर, इसका ऑप्शन में ही है वो आंसर भी लिखा है, मगर आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या होगा, सही लिखावट क्या होगी इसकी बताइए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओट्स में प्रोटीन फलियाँ कितनी होती हैं बताइए, किसमें होती है, ओट्स में प्रोटीन की फलियाँ किसमें होती है बताइए, एबे नालिन में ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जई की बीज दर कितनी होती है, जई में बीज दर होती है ऑप्शन नंबर सी 125 से 175 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओट्स में ओट्स को हटा कर मिट्टी से क्या कहते हैं, कहते हैं बताइए, ओट्स को अगर हटा दिया हटा सकते हैं तो मिट्टी से तो क्या कहते क्या कमी हो जाएगी ओट्स में, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन कमी हो जाएगी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जई के लिए आवश्यक भंडारण तापमान कितना होता है, तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है आवश्यक तापमान ठीक। बाहरी पतवार को भीतरी से अलग करना, बाहरी पतवार को भीतरी से अलग करना क्या कहते हैं, टूलिंग कहते हैं, टूलिंग टूलिंग कहते हैं ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूसर्न की सूखा सहिष्णु क्षमता क्या होती है बताइए, तो इसमें बहुत ऊँचा होना, बहुत बहुत ऊँचा होना क्षमता होती है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जमाव सहनशीलता बताइए, कौन सी सहनशीलता जल जमाव कम होती है, जल जब जल में जमाव जल जमाव में सहनशीलता कम होती है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवर फसल के रूप में उगाया जाता है बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूसर्न की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, लूसर्न की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, बलुई होती है, बलुई ठीक, क्या होती है, बलुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूसर्न की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे मैराथन के साथ, यारों की मैराथन आ रही है जल्दी, उसमें सब कवर हो जाएगा ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।